क्या 2020 स्लॉट वन क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 53। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेशो रेशो प्रोपोर्शन एंड क्या क्वेश्चन है देखते हैं एक बार मिलके। एन अलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग थ्री मेटल्स एबीसी इन द रेशो ऑफ 3:4:7 बाय वॉल्यूम। वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द मेटल्स एबीसी आर इन द रेशो 5:2:6। इन 130 केजी ऑफ द अलॉय द वेट इन केजी ऑफ द मेटल सी इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है कि तीन मेटल्स जो है वो किस रेशियो में मिक्स किए गए हैं बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि अगर पहले वाला हमने सपोज तीन है, ए है, बी है और सी है, तो पहले वाला यदि हमने 3x लीटर लिया है, मान लो लीटर्स में ले लेते हैं, तो पहले वाला अगर 3x लीटर लिया है तो दूसरे वाला 4x लीटर और तीसरे वाला 7x लीटर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम मतलब पर लीटर, आप पर लीटर बोल सकते हो, मतलब कि वेट, वेट मतलब ऐसा बोल देते हैं वेट पर केजी, तो वेट पर केजी, तो वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम मतलब पर केज पर लीटर ले लेते हैं हम, वेट पर लीटर। तो वेट जो पर लीटर है एबीसी का, उसका रेशियो है 5:2:6। तो 5:2:6 वेट पर लीटर है, तो इसका वेट अगर 5y है पर लीटर, तो इसका वेट है पर लीटर 2y और इसका वेट है पर लीटर 6y। तो टोटल अलॉय का वेट हमें 130 केजी दिया हुआ है, तो 130 केजी अगर टोटल वेट है तो कितने किलो ए का वेट बनेगा। तो वेट पर केजी 5y है और टोटल 3 वेट पर लीटर 5y है और 3x टोटल लीटर है, तो ये वेट हो जाएगा 15xy केजी, है ना, ये वेट हो जाएगा 15xy केजी, क्योंकि 1 लीटर का वेट 5y है तो 3x लीटर का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वे से यहां से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 8xy, और सेम वे से यहां से भी मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो यहां का वेट आएगा 42xy और कंप्लीट अलॉय का जो वेट आएगा वो तीनों को ऐड करके आएगा, दैट इज गिवन, दैट इज बेसिकली 130 केजी। तो 65xy का वेट 130 केजी है, तो x इंटू वाई आ जाएगा हमारा यहां से कटने के बाद 2। तो x इंटू वाई का वैल्यू 2 है, और हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि वेट इन केजी बताओ मेटल सी का, तो मेटल सी का वेट कितना होगा केजी में, तो मेटल सी का अगर हम वेट देखें केजी में तो वो 42xy है, तो 42xy का वैल्यू हमें बताना है, बिकॉज सी इज 42xy, इतना वेट है सी का, तो 42 into 2, तो हम कहेंगे आंसर 84 होना चाहिए, तो 84 केजी क्वेश्चन का आंसर बनता है, आंसर ऑप्शन 4 क्वेश्चन का आंसर बनता है, और यही सवाल का सही आंसर है, आंसर ऑप्शन 4।